8 लाख तक की आय वालों को सरकार आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण का फायदा पहुंचाने की शुरुआत कर चुकी है। ऐसे में सालाना 8 लाख कमाने वालों से सरकार किस आधार पर 20 फीसदी टैक्स वसूलेगी, ये सोचने वाली बात है। यानी क्या इस बजट में 8 लाख तक की आमदनी वालों पर से टैक्स की टेंशन खत्म हो जाएगी? क्या बीते वर्षों में जो धीरे धीरे भी ना हुआ वो इस बार एक झटके में सरकार धमाका कर देगी? इस बार कयास लगाए जा रहे हैं कि बजट का सारा फोकस मध्यम वर्ग और किसानों पर रहेगा। किसानों को सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कर्ज की ब्याज बराबर रकम सीधे खाते में भेजने का तोहफा दे सकती है। लेकिन मध्यम वर्ग के लिए ये सपनों सरी का बजट इसलिए हो सकता है क्योंकि टैक्स में छूट का दायरा अच्छा खासा बढ़ाया जा सकता है। दरअसल अगर 8 लाख तक की आय के नीचे आरक्षण का फायदा मिलेगा तो फिर इतनी रकम पर टैक्स छूट का फायदा भी सरकार देने की कोशिश कर सकती है। फिलहाल 2.5 लाख तक की आमदनी पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता। इसके बाद 80 सी में अगर 1.5 लाख तक का निवेश किया गया है तो फिर 4 लाख तक की आमदनी टैक्स के दायरे से बाहर हो सकती है। अगर होम लोन लिया है और उसका सालाना ब्याज 2 लाख रुपए है तो फिर 6 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगता। ऐसे में 8 लाख और 6 लाख में अंतर केवल 2 लाख का रह जाता है। सरकार इस अंतर को सीधे टैक्स छूट 2.5 लाख से बढ़ाकर 4.5 लाख करके खत्म कर सकती है। इसके अलावा भी कुछ और समीकरण बन सकते हैं जिनके जरिए सरकार टैक्स की टेंशन को कम कर सकती है। सरकार 2.5 से बढ़कर 3.5 लाख तक की आमदनी को टैक्स फ्री कर सकती है। इसके साथ ही 80 सी में निवेश का दायरा 1.5 से बढ़ाकर 2.5 लाख और होम लोन के ब्याज की छूट को 2 से बढ़ाकर 2.5 लाख कर सकती है। इससे भी 8 लाख तक की आमदनी वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। एक और तरीका ये भी हो सकता है कि सरकार 2.5 से बढ़कर 4 लाख तक की आमदनी टैक्स फ्री कर दे और 80 सी में छूट का दायरा 1.5 से बढ़ाकर 2 लाख कर दे। इसके बाद होम लोन का 2 लाख का फायदा मिलाकर कुल 8 लाख तक की रकम टैक्स के दायरे में बाहर हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो फिर आर्थिक आरक्षण का ये ऐलान टैक्स छूट में बड़ी राहत का सबब बन सकता है।